और मैं ताजा आपको बता रहा हूँ 15 अगस्त पर जो लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को कहा, चीन ये गीदड़ भाभी दिखाने से काम नहीं चलेगा। और अब हम जो सन 1962 में धोखे से हम पर हमला किया था उसका बदला चुकाने का वक्त आ गया भारत के लिए। और ये चीन से कहना शुरू कर दिया, अब ये 1962 वाला भारत नहीं है चीन। सन 1962 वाला अब ये भारत देश नहीं, हल्के में मत लेना रे तेरी चीन पड़ेगी बेस नहीं, चीन पड़ेगी बेस नहीं। सन 1962 वाला अब ये भारत देश नहीं, हल्के में मत लेना रे तेरी चीन पड़ेगी बेस नहीं, अरे चीन पड़ेगी बेस। खराब करे कुछ भी हासिल ना होगा मत, पगलों जैसे ख्वाब करे। सारी दुनिया जाल रही है मत ना गलत जवाब करे, सही फैसला हो कर पहले क्यों बार बार हिसाब करे, क्यों बार बार हिसाब करे। किसान जो खोया अहंकार आवेश नहीं, हल्के में मत लेना तेरी अरे चीन पड़ेगी बेस नहीं, हाँ चीन पड़ेगी बेस नहीं। शांति भंग करे अपनी काली करतूतों से मत दुनिया को तंग करे, मर्द नहीं तू कायर है मत हिजड़ों जैसे भंग करे, हिजड़ों जैसे भंग करे। चीन बड़ा तू है, चीन बड़ा पछताएगा जो थोड़ी उल्टी रेस नहीं, हल्के में मत लेना तेरी चीन पड़ेगी बेस नहीं, चीन पड़ेगी बेस। काला हूं समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लगता रे सन 62 का कर्ज चुकाना चाहता है, खुद को धोखा दे करके तू हमें जिताना चाहता है, फौज को गंदी साजिश में बेकार फंसाना चाहता है, खुद सीखेगा सबक
दुष्ट क्यों हमें सिखाना चाहता है, हमें सिखाना चाहता है। और याद रखना सीमा में कभी कर सकता प्रवेश नहीं, हल्के में मत लेना तेरी चीन पड़ेगी बेस नहीं, चीन पड़ेगी बेस। ऐसी बुरी से है कि लेके डूब जाता है। खूब उड़ावे रे दुनिया अगर बाज नहावेगा, भारत से पंगा लेकर के चीन तुमकी खाएगा। लाल किले पे आजादी का ध्वजा लहर लहरा, भारत के गुण गाएगा, भारत के गुण गाएगा। और वर्ल्ड में ऋषि पाल झूठा हो संदेश नहीं, हल्के में मत लेना।